Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important day है as parents. We finally hired a help, a babysitter for Sky. तो वो आज आ रही है just building में. Babysitter nanny hire की है. So we're very excited to see कि Sky उसके साथ कैसे gel करती है. You know how she also does everything. Because honestly, the first year I had told Nikhil कि मुझे कोई help नहीं चाहिए. I will do it all by myself because I want to enjoy this time with Sky. तो मैंने बहुत ही खुशी से सब किया. But then Nikhil was like, you know, Shanti, 13 months. Your body, it needs to get back into shape. And then your work has sacrificed. Work का बहुत sacrifice हुआ है. Honestly, all mothers sacrifice so much. And जो mothers काम पे जाती है in the third month, sixth month after giving birth, I can imagine how painful it is to leave your child at home and go. So I was like, you know what? Now I'm probably ready. She's here. I'm so excited. I can't show you her face because you know I want to maintain that privacy. But थोड़ी थोड़ी चीजें I will show you guys. So कौन है? Kayu, are you excited? Are. To play with Didi 24/7? Are you excited? Are already ready? Ye dekho. Usko roko bhaag ja rahi hai. Kayu to already party bandu nikli hai. Pehle se hi ja rahi hai. Do you think she knows? Like God is showing her that it's going to be a good connection. Is God giving you signs that's going to work out for us? Fingers crossed. ये जो रूम है, दूसरा वाला रूम, इसको हम लोग कर रहे हैं मेकओवर इनटू अ ड्रीम क्लोजेट. तो मैं बस अभी इनको समझा रही थी क्या करना है. माय डैड इज आल्सो हियर, सो लेट्स सी. इतना बड़ा मेरे पास लिटरली उस घर में, हमारे मेन घर में बहुत सारा सामान है. एंड अब ये सारा इवेंट्स एकदम बैक टू स्क्वायर वन है. सो वी वर लाइक, वी हैव लिटरली सो मेनी न्यू क्लोथ्स, नाइस क्लोथ्स फॉर इवेंट्स एंड एवरीथिंग, जो बस ऐसे ही साइड में रखा हुआ है, सूट केसेज में है. सो वी वर लाइक कि इस घर में जो छोटा सा रूम है, अगला सेकेंड बेडरूम, उसको विल मेक इन टू लाइक अ ड्रीम वॉक इन क्लॉजेट, जहाँ पे हम पूरा इवेंट्स के कपड़े, शूज वूज सब रखेंगे. सो इट बी वेरी ईजी फॉर अस टू सोर्स. तो इसलिए अभी मैं डैड लेके आए थे कारपेंटर को, बिकॉज आई थोड़ा गो गेट फर्नीचर फ्रॉम आइकिया. बट आइकिया का प्रॉब्लम यही है दैट आफ्टर सर्टेन टाइम द फर्नीचर कैन गेट स्पॉइल्ड अ लिटिल बिट, और फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है. वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, आई लव आइकिया फर्नीचर, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट एंड एनी डे आई वुड प्रेफर इट. लेकिन माई डैड वॉज लाइक, यू नो वॉट, यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, सो व्हाई डोंट यू मेक इट थ्रू अ कारपेंटर, बिकॉज कारपेंटर वाला सामान जो है 25-30 साल भी चलेगा, लाइक द बेस्ट क्वालिटी के साथ जब बनाते हो. सो कारपेंटर अभी कल से काम स्टार्ट करेंगे. अभी जस्ट एक्सप्लेन करी थी मैं सब कुछ, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ इट्स ट्रांसफॉर्म्ड. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और निकल हमेशा से चाहते थे वी हैव अ ड्रीम वॉक इन क्लोजेट, जहाँ पे हम अपना सब कुछ रख सकते हैं. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, काम शुरू होने वाला है कल से. इट विल टेक अ वीक, लेट्स सी हाउ इट गोज. इसका यू चलेगा चलेगा, वो गिरती है वैसा. स्काई बहुत खुश है, स्काई को अभी 24/7 खेलने वाला कोई मिल गया है. तो मेरे पापा चले गए, मैंने मेरे पापा को बोलती फुलाने के लिए. अभी निखिल भी ट्राई कर रहा है. दो मैंने इंस्टा मार्ट से पंप मंगाया है, मैंने बोला निखिल को मत कर, फिर भी निखिल कर रहा है. ये स्काई का एक चेयर है, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, काफ़ी अच्छा चेयर है, तो उस पर बैठ सकती है. इसके टू ऐसा ऐसे एक्ट कर रही थी, उसका थ्रोन है. ये वॉक के लिए आए हैं. पास्ट टू डेज से मैंने वेट ट्रेनिंग की है, तो आज मेरे बॉडी में बहुत पेन है. वर्कआउट बहुत ही सिंपल है. मैंने शैरस को पहले बोला कि देखो दो ऑप्शन है, तो रनिंग करेंगे तो वेट्स करेंगे. शैरस वेट्स करेंगे तो हम मारेंगे एक स्क्वाट्स और एक डंबल उठा के मारेंगे एक शोल्डर प्रेस 10 kg के डंबल के साथ. 5 and 5, नो 5 and 5, तो टोटल 10 kg. क्या है 10 kg शैरस, क्या है 10 kg? कुछ नहीं. जब तू और 10 kg लूज करेगी तब तू क्या क्या रहेगा तेरे लिए? कुछ नहीं रहेगा. चलो एक मार के बताओ.
मार के बताओ कैसे कैसे सिखाया मैंने। कम ऑन, एक स्क्वाट्स मारेगी, हाँ ऊपर आएंगे और ये प्रेस मारेंगे। सिंपल, कितना आसानी से हो रहा है। कम ऑन, 10, यस यू कैन, 11, 12, कम ऑन, एक्चुअली 12 नहीं है, 20, कम ऑन, 27, 28, तो पहले हमने वेट से किया, फिर रेजिस्टेंस बैंड से किया, वैसे कर रहे हैं। कम ऑन, ओनली 15 मोर लेफ्ट, कम ऑन, 1, पूरा ऊपर था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्क्वाट्स मारने का दिए। अरे तूने बच्चा डिलीवर किया है, क्या चीज़ है तेरे लिए? अभी हमने स्ट्रेचिंग खत्म की, काफी सारा वर्कआउट नहीं बता पाए। कैसा एक्सपीरियंस था शानस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना अपने दिमाग में सोचा उससे काफी बेटर किया। अरे बेटा आराम से, बाप को तो इतना घाव दे चुकी है, बट क्या लगता है तू अभी अलग अलग तरीके से एवरीडे कंटिन्यू करेगी? दो महीने में तेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देखो शानस का एक अच्छी बात है, शानस ज्यादा खाती नहीं है, मतलब शी इज नॉट फूडी लाइक मी, स्पेशली स्वीट्स। पिजन पोस्ट कर रही है, वेरी नाइस, हमें तेरे पीछे तेरी बेटी है। आज इज माय चांस टू वॉक 10 किलोमीटर्स, तो स्काई नीचे खेलेगी एंड आई विल टेक अ वॉक। व्हाट अ गॉर्जियस लुकिंग सनसेट। स्काई जस्ट सोने गई है, शाम के 7:30 बजे है। मैंने सक्सेसफुली अपना इवनिंग वॉक लिया और जो फर्स्ट डे था इट वॉज़ वेरी सक्सेसफुल। मैंने अक्षता को घर भेज दिया बिकॉज आई वॉज लाइक अभी स्काई उठेगी और फिर मैं इसको नहलाऊंगी और बाहर चले जाएंगे तो आपका रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप घर चले जाओ। इट वॉज़ रियली नाइस, आई सॉ कि स्काई बहुत कम्फर्टेबल थी, जैसे निकिता के साथ रहती है, ऑलमोस्ट क्लोज वैसे कम्फर्टेबल है। ऑफ कोर्स आई विल टेक टाइम टू बिल्ड माई ट्रस्ट इन अक्षता, बट कोई नहीं, 4-5 डेज ट्रायल टेस्टिंग पीरियड है, बट इट वॉज वेरी नाइस। आई वॉज हैप्पी कि स्काई वॉज हैप्पी प्लेइंग होल डे, पूरे दिन स्काई ने खेला है जिससे वो बहुत थक गई अभी, एंड सब कुछ अच्छे से हुआ। सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, मैं निखिल को बोल रही थी कि मुझे कभी भी आफ्टरनून में ऐसा फ्री टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, सो इट वॉज़ अ वेरी न्यू फीलिंग कि यू नो मैं जो स्काई को खिलाती हूँ कोई और खिला रहा था, एंड स्काई को चेंज करती हूँ, तो मैं सिखा रही थी सारी चीज़ें अक्षता को वो कर सके। बट या इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू सी समवन एल्स डू द थिंग्स दैट आई डू फॉर स्काई, बट आई थिंक धीरे धीरे आई विल ऑफकोर्स एडजस्ट टू दैट एंड स्काई भी एडजस्ट करेगी। वहाँ पे स्काई सोई है बाय द वे, आपको नहीं पता दिन में कितनी बार निखिल और मैं ऐसे ही बस स्काई को घूरते रहते हैं ना निखिल, एंड वी बिकम सो हैप्पी।